बोल छत्तीसगढ़ महातारी की। नमस्कार सम्माननीय मंच, विश्व वंदनीय भारत माता के इकलौती राज दुलौरिन बेटी छत्तीसगढ़ महातारी, जेकर पावन कोरा में बसे यहाँ के जम्मो नर और नारी, दाई दीदी महतारी, मोर नान्हे नान्हे संगवारी, आप सबला जय जोहार। मैं सोमेश्वर प्रसाद गंजीर, छत्तीसगढ़ की धर्म की राजधानी जिला धमतरी से आप सभी के समक्ष मेरे सपनों के छत्तीसगढ़ विषय पर अपने विचार लेकर उपस्थित हूँ। मान्यवर, जब कभी भी मैं मेरे सपनों के छत्तीसगढ़ की चर्चा करता हूँ तो मुझे याद आती है भारत के प्राचीनतम ग्रंथ यजुर्वेद के 22वें अध्याय के 22वें मंत्र की, जहाँ कहते हैं ओम अब्रह्मण ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसि जायताम अराष्ट्रे राजन्यः शूर इश्वो अतिव्याधि महारथो जायताम दोग्धिर्धेनु अटवडनाधम शक्ति पुरंध्या जिष्णु रथेष्ठा सभेयो यजमानस्य वीरो जायताम निकामे निकामे न पर्जन्तु वर्षतु फलवस्यो न योगक्षेमो न कल्पताम। अर्थात हमारा ज्ञान उत्तम हो, हमारे योद्धा समर्थ हो, हमारा युवा सभ्य हो, हमारा पशुधन समृद्ध हो, हमारी ऋतुएं अनुकूल हो, हमारी वनस्पतियां विकसित हो, हम अपने अप्राप्त लक्ष्यों को प्राप्त करें और प्राप्त वैभव की रक्षा करते हुए सबका कल्याण निहित हो। अगर मान्यवर मेरा छत्तीसगढ़ ऐसे लक्ष्यों को परिलक्षित करता है तो मैं मानता हूं यही मेरे सपनों का छत्तीसगढ़ है। महोदय, हाल ही के दिनों में जब हमने छत्तीसगढ़ के प्रत्येक बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया, रीपा योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों को विकसित कर ग्रामीण युवाओं को रोजगार दिया, उन्हें आत्मनिर्भर व स्वावलंब बनाया, किसान योजना, कर्ज मुक्ति, बोनस वितरण और प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदी ने करोड़ों किसानों को नवजीवन प्रदान किया, मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना, सुपोषण योजना और महतारी दुलार योजना के माध्यम से शहर के प्रथम व्यक्ति से लेकर गांव के अंतिम से अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई, नरवा गरवा गुरवा बाड़ी और गोधन न्याय योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ ने एक चमत्कार कर दिया। इसने विश्व के समक्ष छत्तीसगढ़ की संस्कृति, इसकी कला, इसके पर्यटन, इसके उत्पादों का डंका पूरे विश्व में बजाया और तभी छत्तीसगढ़ बड़ी ही तीव्रता से बढ़ चला विकसित राज्य बनने को। मान्यवर, जब कोई मुझे पूछता है कि मेरे मायने में मेरे सपनों का छत्तीसगढ़ कैसा होगा तो मैं कहता हूं, जब हम आप सभी मिलकर बड़ी बड़ी बातें नहीं बल्कि छोटे छोटे प्रयास करेंगे तब बनेगा विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण। छत्तीसगढ़ की जनसंख्या 3 करोड़, 1/3 करोड़ छत्तीसगढ़ मैं स्वयं, 1/3 करोड़ छत्तीसगढ़ आप स्वयं। मैं मेरे सपना पूरा करता हूं, आप अपने सपने पूरा कीजिए, सपनों का छत्तीसगढ़ खुद ब खुद बन जाएगा। तो आइए आइए छत्तीसगढ़ से महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी और भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकते हैं। आइए आइए किसी रेस्टोरेंट में बैठकर खाते हैं जिमी कांदा और अमसुरहा कढ़ी की सब्जी, ठेठरी और खुरमे की मिठाई। चलिए ना छत्तीसगढ़ के हर एक घर को सजाते हैं छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध ढोकला पेंटिंग और बस्तर की आदिवासियों की सरलता और सहजता से भरी कोटपाल हैंडलूम फैब्रिक। चलिए मिलकर आनंद उठाते हैं करमा, ददरिया, सुवा, गेड़ी, भौरा, बाटी का। चलिए मिलकर बनाते हैं छत्तीसगढ़ को सबसे सुंदर, सबसे बढ़िया और दिखाते हैं पूरी दुनिया को छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। अंत में जियो मुड़ी उठा के बोलो छाती ठोक, पढ़ो लिखो सुनो बोलो छत्तीसगढ़ी गोट, छत्तीसगढ़ी गोट।
धन्यवाद। जय मां भारती। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। बोल छत्तीसगढ़ महातारी की। बहुत बहुत धन्यवाद।